मेरी जो स्किन है वो इससे पहले इस तरह की स्किन थी, अगर मेरी तरह आपकी स्किन में भी इस तरह के एक्ने बन रहे हैं और डे बाय डे आपके पिंपल्स और एक्ने बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, तो एक टाइम पे होगा ये कि ये जो एक्ने और पिंपल हैं ये ट्रीटमेंट के बाद रिमूव हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद जो धसे हुए गड्ढे आपकी स्किन के अंदर रह जाएंगे, जैसे कि आप मेरे फेस के ऊपर देख रहे हो, बहुत कंडीशन में एक्ने आ रहे होते हैं लेकिन एक लंबा टाइम अगर आपका एक्ने का रहता है ना, तो ये गड्ढे पहले ही बन चुके होते हैं, इसके बाद भी एक्ने आ रहे होते हैं। जैसे कि मेरे तो गड्ढे बन चुके थे लेकिन उसके बाद कंटिन्यू मेरा जो एक्ने आने का था वो चल रहा था। तो अगर इस तरीके के आपकी स्किन के अंदर गड्ढे हैं तो इन्हें हम लोग बोलते हैं एक्ने स्कार्स। मैं एक छोटा सा आप लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चार ऐसे ट्रीटमेंट जिनको कर कर आप अपने एक्ने के जो धसे हुए गड्ढे हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं, उनको कम कर सकते हैं और उनको बहुत हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला बताती हूँ कि ये गड्ढे बनते क्यों स्किन के अंदर। जब हमारी स्किन के ऊपर पिंपल्स बनने लगते हैं, एक्ने बनने लगते हैं, तो होता यह है कि स्किन के नीचे के जो टिश्यू होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं, वो टूटने लगते हैं, वो ब्रेक होने लगते हैं। तो जब ये टिश्यू डैमेज हो जाते हैं और जब ये एक्ने रिमूव होते हैं और जब हमारी स्किन के जो टिश्यू हैं वो हीलिंग का प्रोसीजर चालू होता है, तो उस टाइम कोलेजन नाम का एक प्रोटीन होता है, अगर वो स्किन के अंदर बहुत कम बनता है तो हमारी स्किन के अंदर धसे हुए गड्ढे हो जाते हैं, जैसे कि मेरी स्किन के ऊपर है, अगर वो कोलेजन कम होगा तो, या कोलेजन का प्रोडक्शन कम होगा तो। लेकिन अगर उसी कंडीशन में कोलेजन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है तो बहुत कंडीशन में चेस्ट पे और बैक पे आप लोगों ने हाइपरट्रॉफिक स्कार्स देखे होंगे जो कि उठे हुए स्कार्स होते हैं। तो कोलेजन का प्रोडक्शन कम या ज़्यादा होने पे हमें इस टाइप्स के स्कार्स देखने को मिलते हैं। एक्ने और पिंपल्स के बाद के जो स्कार्स रहते हैं वो थ्री टाइप्स के स्कार्स होते हैं, जिसमें रोलिंग स्कार्स हो सकते हैं आपको, आपको बॉक्सर स्कार्स हो सकते हैं, आपको आइस पिक स्कार्स हो सकते हैं। तो ये थ्री टाइप्स के स्कार्स हैं जो कि आपको हो सकते हैं। तो स्कार्स का तो आप लोगों को नॉलेज मिल चुका होगा। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अगर आप लोगों को इस तरीके के स्कार्स हो चुके हैं तो इसका आप क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। साथ में मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि जिन लोगों को अभी सिर्फ पिंपल और एक्ने आने शुरू हुए हैं तो प्लीज आप लोग कोशिश कीजिए कि अगर आपको कंटिन्यू एक्ने नहीं बन रहे हैं और अभी एक्ने आना स्टार्ट हुआ है तो आप इन एक्ने का अच्छा ट्रीटमेंट लेकर इनको रिड्यूस करें ताकि आप स्कार्स के स्टेज पे ना पहुंचे। क्योंकि अगर एक बार आपने इसको फोड़ना शुरू कर दिया, इसको टच करना शुरू कर दिया, तो डे बाय डे आपके एक्ने तो बढ़ेंगे लेकिन साथ में आपके गड्ढे भी बनेंगे और ये जो गड्ढे हैं इनका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा बहुत कंडीशंस में मुश्किल हो जाता है और बहुत बार ये इजीली ट्रीट भी नहीं हो पाते। तो मैं आप लोगों का टाइम बिना वेस्ट किए आप लोगों के साथ चार ट्रीटमेंट ऐसे शेयर करूंगी जिनको यूज करके आप अपने स्कार्स की हीलिंग कर सकते हैं और उनको बहुत हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो मैंने जो अपना ट्रीटमेंट लिया है जिससे मैंने अपने स्कार्स भरे, तो वो फर्स्ट आता है डर्मा रोलर यानी कि माइक्रो नीडलिंग, जिसको अलग अलग टाइप से किया जाता है। डर्मा रोलर होता क्या है पहले तो मैं आपको बता देती हूँ। एक छोटा सा एक टूल्स होता है प्लास्टिक का, जिसका आगे का जो पार्ट होता है वो राउंड राउंड रोलर की तरह होता है, उसमें निडल्स लगी होती है छोटी छोटी, 5 निडल्स का भी होता है, ये 192 निडल्स का भी होता है। तो ये माइक्रो नीडलिंग होती क्या है कि आपकी स्किन के ऊपर एक नंबिंग क्रीम लगाते हैं अपन लोग। अगर हम लोग घर में 0.5 mm का कर रहे हैं तो उस नंबिंग क्रीम की नीड नहीं है, लेकिन अगर अपन 1 mm या 1.5 mm तक जा रहे हैं तो नंबिंग क्रीम की नीड होती है। उसको लगाने के बाद 40 to 45 मिनट के अंदर स्किन बिल्कुल ऐसे हो जाती कि पता ही नहीं होता कि स्किन है भी कि नहीं। उसके बाद इसको तीन तरह के जो डायरेक्शन होते हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है, इस तरह के तीन डायरेक्शंस में 10 times इसको मल्टीपल टाइम छोटे छोटे वो करके सेक्शंस करके स्किन के ऊपर जाता है, जहां पर आपको स्कार्स हैं उस स्किन के एरिया के ऊपर। जब आप इसको कंटिन्यू चलाते हो स्किन के ऊपर तो करता क्या है, ये आपकी स्किन में पंचर करता है, मतलब छेद करता है छोटी 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 छोटी। जब ये छेद रिकवर होते हैं 2-3-4-5 दिन में, तो आपका जो ये स्किन है जो पंचर हुई है यहाँ पर, ये क्या करता है, कॉलेजन बनाता है। कॉलेजन बनाता है तो आपके स्कार जो होते हैं उनकी धीरे धीरे हीलिंग होती है। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट था, लेकिन इसमें आप डर्मा रोलर कर सकते हो, इसमें आप डर्मा पेन कर सकते हो, जो कि मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ। वो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो ऑटोमेटिकली चलता है, बस आप उसको MM पे सेट कर दो। एक और ऑप्शन होता है डर्मा स्टैम्प, जिसको आपको इस तरीके से स्टैम्प की तरह पंचर करना होता है अपनी स्किन को, टैप 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 करके। वो मैंने अभी ट्राई नहीं किया। तो ये था फर्स्ट ट्रीटमेंट, ये आपको 15 days के अंदर या 1 month के अंदर आपको इसका सेटिंग लेनी होती है। आप इसको घर पे कर सकते हो कम MM में, और अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास लेते हो तो आपको 8 to 10 बहुत बार बहुत ज़्यादा सेटिंग भी लेनी हो सकती है अगर आपके स्कार्स बहुत ज़्यादा डीप हैं तो। सेकंड जो ट्रीटमेंट है ये हमें डर्मेटोलॉजिस्ट के पास करवाना पड़ेगा। डर्मा रोलर भी अगर आप लोग चाहें तो वहाँ पे जाकर सेटिंग्स ले सकते हैं। जो सेकंड ट्रीटमेंट है वो लेज़र है। लेज़र में भी आप ये दो कंडीशंस में करते हैं, फर्स्ट तो CO2 है, दूसरा री सरफेस है। CO2 में होता ही है कि आपके फेस की रिकवरी होने में आपको टाइम लगता है, मतलब 1 week लग जाता है। आप देखते हो बहुत बार जैसे TC वगैरह में आपकी स्किन ऊपर से जल जाती है, तो इसमें भी यही होता है कि आपकी स्किन ऊपर से जल जाती है,
तो वो रिमूव होने में, धीरे धीरे उसकी लेयर्स रिमूव होने में 6 to 7 days लग जाते हैं, पूरा 1 week लग जाता है। रीसर्विस में आपकी स्किन में थोड़ा रेडनेस आ जाता है, थोड़ा स्वेलिंग टाइप हो जाता है स्किन, और वो 2 से 3 दिन के अंदर आपकी स्किन की रिकवरी हो जाती है। इसकी भी आपको मल्टीपल सेटिंग लेनी होती है, जिस अकॉर्डिंग वो आप लोग को बुलाते हैं 1 month में 15 days में, तो आपको बार बार अलग अलग सेटिंग्स लेनी होती है। तो बहुत बार इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपकी हाँ स्किन रिड्यूस हो जाती है, आपकी स्कार्स रिड्यूस हो जाते हैं। जो थर्ड ट्रीटमेंट है वो फिलर्स है। फिलर्स में होता क्या है कि एक इंजेक्शन लिया जाता है, उसके अंदर जेल भरा जाता है, उस जेल को जहां जहां पर स्कार्स है आपकी स्किन के अंदर, उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है और जेल भर दिया जाता है। लेकिन ये टेम्पररी ट्रीटमेंट है जो कि 6 to 8 months ही रहता है आपकी स्किन के ऊपर। जैसे जैसे आपकी स्किन के अंदर वो जेल ऑब्जर्व होता जाता, मतलब वो खत्म होता जाता है स्किन के अंदर, तो होने ये लगता है कि आपकी स्किन दोबारा से उसी कंडीशन में जाती जाती है और आपके स्कार्स 6 to 8 months बाद शो होने लगते हैं। तो दोबारा से आपको फिर ये हर 6 to 8 months में ये सेटिंग्स लेनी पड़ेगी, ताकि वापस से आपके स्कार्स 6 to 8 months तक नॉर्मल रहें। और उसके बाद आप ये मल्टीपल अगर हर बार सेटिंग्स लोगे, क्योंकि ये परमानेंटली ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ ये टेम्पररी ट्रीटमेंट है जो कि आप इतने मंथ तक इसको स्टॉप करके रख सकते हो। जो फोर्थ ट्रीटमेंट है वो PRP है, यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें होता ये कि ये भी एक तरीके की थेरेपी होती है कि आपका ब्लड लिया जाता है, ब्लड के अंदर से प्लाज्मा निकाला जाता है और उस प्लाज्मा को इंजेक्ट किया जाता है जहां जहां पर आपके स्कार्स हैं उसके अंदर। इसके भी आपको काफी सारे सीजन लेने होते हैं। ये सारे ट्रीटमेंट डर्मेटोलॉजिस्ट देकर हमारे एक्ने स्कार्स को और गड्ढे को इम्प्रूव करते हैं। और ये सारे जो ट्रीटमेंट है वो रोलिंग बॉक्सर और आइस पिक, तीनों स्कार्स के अंदर यूज किए जाते हैं, जो पिंपल्स और एक्ने के बाद के स्कार्स रहते हैं। अगर आप लोग चाहें तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर इनमें कोई सा भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके एक्ने स्कार्स की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, जैसे कि मुझे सजेस्ट किया गया था मेरे एक्ने स्कार्स के टाइम, मैंने हालांकि नहीं लिया था, लेकिन मुझे एक साथ ही कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट बताया गया था जिसमें डर्मा रोलर भी था, ये PRP भी था और लेजर भी था, कि ये कॉम्बिनेशन में ट्रीटमेंट होंगे। तो बहुत कंडीशन में ये ट्रीटमेंट वो लोग कॉम्बिनेशन में भी करते हैं। अगर आप लोगों को लगता है ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल था, आप लोगों को पसंद आया हो, तो प्लीज आने से पहले वीडियो को लाइक, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।